वी द पीपल, हम भारत के लोग, बार बार ये प्रश्न आता है कि इकट्ठा होने से फायदा क्या है। तो इसके बदले हम एक प्रश्न पूछते हैं कि इकट्ठा होने से नुकसान क्या है, संघ में संघ को बनाने से फायदा क्या है और संघ को ना बनाने से नुकसान क्या है। कोई भी जवाब हमें आज तक ऐसा नहीं मिला किसी व्यक्ति ने जो उसने कहा हो कि इकट्ठा होने से नुकसान होता है। तो ये बात तो तय है कि सारी दुनिया ये कहती है कि इकट्ठा रहना चाहिए, समूह में रहना चाहिए, उसका फायदा है। फिर भी कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि भाई आप बताइए कि इकट्ठा रहने से क्या फायदा है, जो आप बार बार कहते हैं इकट्ठे हो जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जिद्द है जुड़ने की, जिद्द है जोड़ने की, तो क्यों 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 जुड़े हम, क्या फायदा है। तो उनको मैं ये कहता हूं कि भाई जो प्रकृति में जितने भी जानवर हैं, जो आकाश में उड़ते हैं सारे पक्षी या सारे कीड़े और पतंगे, यहां तक कि मधुमक्खी भी एक साथ क्यों रहती हैं, जितने भी पानी में जानवर हैं वो अलग अलग वर्ग के हैं मगर वो सारे इकट्ठे क्यों रहते हैं, जो जमीन पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो रेंगने वाले हैं, चाहे वो चलने वाले हैं, चाहे दो पैर के हैं, चाहे चार पैर के हैं, वो सारे समूह में, झुंड में, ग्रुप में क्यों रहते हैं। यहां तक कि जो सबसे पावरफुल जानवर है जिसको शेर बोलते हैं वो भी झुंड में रहता है, और जो कुत्ते हैं वो भी झुंड में रहते हैं, जो हिरन हैं जिनको शेर खाता है वो भी झुंड में रहते हैं। तो जितने भी जानवर हैं वो प्राकृतिक रूप से सब झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा चाहिए, वहां पर उनको सुरक्षा होती है। पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां हैं, एक साथ चलती हैं, उनको सुरक्षा मिलती है, जानवर एक साथ उड़ते हैं उनको सुरक्षा रहती है, मधुमक्खी एक साथ हमला करती हैं तो अपनी जान बचा लेती हैं, जितने भी जमीन पर जानवर हैं वो ग्रुप बनाकर रहते हैं तो दूसरे जानवरों से झगड़े से बच जाते हैं, मरने से बच जाते हैं। तो यहां तक कि जो पेड़ पौधे हैं और जो छोटी सी झाड़ियां हैं जिनको हम झाड़ी बोलते हैं वो भी झुंड में पैदा होती हैं। झाड़ियों का झुंड आपने देखा होगा, बहुत पत्ती बहुत कमजोर होती हैं मगर झुंड में रहती हैं तो बड़ी पावरफुल हो जाती हैं, बड़ी सख्त हो जाती हैं, झुंडों को उखाड़ने में भी बड़ी ताकत लगती है। जो लोग झुंडों को उखाड़ना जानते हैं या जानते हैं उन्हें पता है कि झाड़ियां उखाड़ने का काम कितना मुश्किल होता है। तो झुंड में रहना, समूह में रहना, ग्रुप में रहना, इकट्ठे रहना, ये सारा का सारा जितना भी है प्राकृतिक है, इसमें हमें सुरक्षा मिलती है। जब हमें सुरक्षा मिलती है तो हम अपने काम आसानी से कर सकते हैं, हमारी जान बची रहती है, हमारे बच्चे उसमें आसानी से पल जाते हैं, हमें खाना ढूंढने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि झुंड में जो खाना ढूंढता है बाकी सबको मिल जाता है। हमें कोई मुसीबत का काम होता है, जैसे हाथी का कोई छोटा बच्चा है कहीं वो फंस जाए तो उसको झुंड मिलकर निकाल लेता है, कहीं अगर बहुत जब बड़ा झुंड है और कोई शेर शिकारी करा तो झुंड उस पर हमला करे तो बच जाता है। यहाँ तक कि अगर कुत्ते भी चाहें तो अकेले शेर को मार लेते हैं झुंड में, आपने कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा। तो हमेशा साथ रहने में प्राकृतिक रूप से फायदा है। फिर हम तो मनुष्य हैं, सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं, अलग 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 इकट्ठे रहते हैं, जो देश हैं वो लोगों का समूह झुंड है उसमें इकट्ठे रहते हैं। एक समर समाज ऐसा है जो पहले संघ में रहता था, जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा रहना सिखाया, संघ में रहना सिखाया और संघ की अहमियत बताई। समर समाज ने संघ की अहमियत बताई और फिर कालांतर में समय निकलने के बाद में 400 साल 500 साल पहले तक वो भूल गया कि संघ क्या होता है, तो उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी एजुकेशन चली गई, उसकी जमीन जायदाद चली गई, उसके खेत खलिहान चले गए, उसके दुख धंधे चले गए, उसकी इज्जत चली गई, मान मर्यादा चली गई, उसके बच्चे कमजोर हो गए, उसका शरीर कमजोर हो गया, उनकी एजुकेशन, भाषा, उनकी सेहत, हर चीज, मान मर्यादा, सब चीज उनकी चली गई, क्योंकि उन्होंने झुंड में रहना बंद कर दिया, समूह में रहना बंद कर दिया, इसलिए सब चला गया। हालांकि पहले जो लोग थे वो कोई डिग्री होल्डर, पढ़े लिखे या कुछ आज की तरह के नहीं थे, पर उन्हें इतनी समझ थी कि अगर हम साथ रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे, तो जिंदे रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। इसलिए इकट्ठा रहना चाहिए, और इकट्ठा रहने का काम चूंकि सबसे पहले समर समाज ने, समण संघ ने, साक्य संघ ने, गणर संघ ने, उसके बाद बुद्ध ने, और उसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए संघ में आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं कुछ भी कर सकता है मगर शाम को अपने घर आता है तो सेफ होता है, सुरक्षित होता है, वैसे ही कोई व्यक्ति कहीं भी रहे मगर उसको अपने संघ में रहना चाहिए, समण संघ में रहना चाहिए, इसलिए हमको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा रहेंगे तो हम बच जाएंगे, इकट्ठा रहेंगे तो तरक्की करेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो बच्चों को बचा लेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो हम अपने अधिकार बचा लेंगे। ठीक वैसे जैसे सारे नेता जब हमको छोड़ के भाग गए 2 अप्रैल 2018 को,
तो हम लोग इकट्ठे होकर सड़क पे आ गए तो हमारा अधिकार बच गया, अगर हम परमानेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा अधिकार जाएगा भी नहीं और जो चले गए हैं वो आ जाएंगे। इकट्ठा होने के लिए नेता की आवश्यकता नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ बताया हुआ है कि आपको ऑर्गेनाइज होना है, संघ बनाना है। ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है, संगठन या ग्रुप नहीं होता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको इकट्ठा होने के लिए नेता की आवश्यकता है, या बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आपको इकट्ठा होने के लिए नेता की आवश्यकता है, क्योंकि जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जब वो चले गए तो उनकी शिक्षाओं ने वहाँ उनको रास्ता दिखाया है। जैसे जो ईसा मसीह थे, जब वो चले गए तो लोग इकट्ठे होते रहे बाइबल के नाम पे, क्योंकि उसमें उनके नियम थे, वो उसे मानते थे। फिर उसके बाद जो मोहम्मद साहब आए, उन्होंने वो कुरान थी, बाइबल का कुरान बनी और लोग इकट्ठे हो गए, उस कुरान से इकट्ठे हो गए, मोहम्मद साहब चले गए। ऐसे ही भारत के अंदर जो गुरु नानक थे वो चले गए, जो बाद में गुरु आए उन्होंने एक किताब लिखी जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, उसको मानते हैं, उसको अपना सब कुछ समझते हैं। वैसे ही भारत के अंदर जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद जो मैंने बताया है धम्म है वो रास्ता दिखाएगा, और उस धम्म को नेता मानकर पूरी दुनिया में 350 करोड़ लोग हैं जो धम्म को मानते हैं और धम्म में साथ रहते हैं। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे जाने के बाद संविधान आपको रास्ता दिखाएगा, तो संविधान ही हमें रास्ता दिखाएगा और जो रास्ता दिखाता है वो हमारा नेता होता है। तो संविधान ही हमारा लीडर है, देश का संविधान देश के लोगों का लीडर होता है, देश को चला सकता है, तो वो हम लोगों को भी इकट्ठा कर सकता है क्योंकि उसने भारत को इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए इकट्ठा होने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति अच्छे मिल जाए, संघ में मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ है, आप उसको देखिए, इकट्ठे हो जाइए तो आपकी सब चीज़ बच जाएगी। धन्यवाद।